सो हाई एवरी वन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। इससे पहले कि हम लोग बात करें कि नीट 2024 और 25 में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में, थोड़ा सा मैं आपका अटेंशन पुल करना चाहूंगा नीट के पिछले 7-8 साल के कट ऑफ पर, जहां पर नीट 2016 में 10,000 रैंक लाने के लिए मात्र 489 मार्क्स लाने पड़ते थे 720 में से। 3 साल फास्ट फॉरवर्ड कर लो तो 100 नंबर से भी ज्यादा कट ऑफ बढ़ गया और 591 मार्क्स पर 10,000 रैंक आने लग गई। 2022 पे अगर आप चले जाओ तो 598 मार्क्स पर भी 20,000 से बाहर थी रैंक, और 2023 में 598 मार्क्स पे 30,000 से भी बाहर थी रैंक। अब ये रैंक तो इन्फ्लेशन हो ही रही है साल बाई साल, बट इस साल नीट 2023 में देर वॉज समथिंग वेरी स्पेशल एट 710 मार्क्स। जानना चाहते हो क्या? उससे पहले यार मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एम्स दिल्ली जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज रहा है उसका क्या कट ऑफ रहा है पिछले 3 साल में। तो 2021 में 53 AIR, 22 में 61 और 23 में 57 AIR पे कट ऑफ रहा, क्योंकि 50 अनरिजर्व सीट रही, हर किसी का ड्रीम रहता है। और यहां पर कुछ यार ट्रेंड सा दिखता नहीं जा रहा है कि पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, भाई उसी के आसपास 50 से 60 रैंक के अंडर में जो है वो कट ऑफ आपका जा रहा है एम्स का। अब देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिग इन करोगे तो तुम समझ पाओगे व्हाट वाज स्पेशल एट 710 मार्क्स। सोचो थोड़ा सा। चलो इससे पहले मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि नीट 2023 में जिसकी 27 रैंक आई ऑल इंडिया उसके कितने मार्क्स आए होंगे, जिसकी 57 आई उसके कितने मार्क्स आए थे, और जिसकी 76 रैंक आई उसके क्या मार्क्स रहे होंगे। द इंटरेस्टिंग थिंग इज इन तीनों बच्चों के टोटल 50 बच्चों के जो मार्क्स हैं 710 आए, और इनकी रैंक जो है वो मियर डिटरमिन की गई कि किसके बायो में ज्यादा थे, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में। थोड़ी सी पैरोडी या फिर मैं करूं आयरनी क्या है पता है, नीट 2023 के बाद अब जब 24 होगा तो ये जो सीक्वेंस है ऑफ प्रेफरेंस ऑफ वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स ये अपोजिट कर दिया गया है। अब सेम ही बच्चे अगर फिर से बैठे होते और सेम पेपर बनता, सेम लोगों ने सेम मार्क्स लाए होते, तो जिसकी 76 रैंक थी उसकी 27 रैंक होती, जिसकी 27 रैंक है उसकी 76 रैंक हो जाती, क्योंकि अब फिजिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, देन केमिस्ट्री, देन बायो। एंड दिस पोजेस अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तुम पहली चीज एक्सपेक्ट करते हो कि वो फेयर होगा, चलो नीट एनीवेज फेयर मैनर में कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन दूसरी चीज तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो, जिसकी जिसको ज्यादा नॉलेज हो उसके ज्यादा मार्क्स हैं और उसको ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि वो अपना ज्यादा अच्छा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले पाए रादर देन दोस्त जिन्होंने थोड़ा सा कम पढ़ा है। एंड अगर 710 नंबर पे इस बार 50 लोगों के 710 नंबर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट व्हाट एनीवन वांट्स। सो सिंपल से इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है कि आपका नीट का जो पेपर की डिफिकल्टी है वो बढ़ा दी जाएगी, जिसकी वजह से 700 के ऊपर जो इतने सारे जो लोग एक साथ एक नंबर पे जो वो आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे और आपका क्लियर सेपरेशन दिख जाएगा। अब दिस पोजेस अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पॉइंट नंबर वन, नीट जो है उसमें एनसीईआरटी से ही पूछा जाना है, उससे बाहर तो पूछा नहीं जाना है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है नीट का वो भी रिड्यूस कर दिया गया, 97 से 79 चैप्टर्स। तो अब क्या करेंगे? इसका भी सिंपल सा सोल्यूशन है कि दे विल इंट्रोड्यूस मोर न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। विश्वास नहीं होता तो पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से देखो और तुम उसमें काउंट करो कि आज से 5 साल पहले कितने assertion reason questions पूछे जा रहे थे और अब कितने पूछे जा रहे हैं, तुम्हें आंसर खुद समझ में आ जाएगा। assertion reason questions का जो स्टार्टिंग हुई थी दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड एम्स के जो एग्जाम होते थे उसमें दीज वर द फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते थे। एम्स का एक अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था जो हम लोग दिया करते थे, एंड ट्रस्ट अस हम लोग ने बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंड 60 क्वेश्चंस होते थे assertion reason के, और इतने डिफिकल्ट होते थे कि जो टॉपर होता था, AIR 1 भी होता था ना, उसके भी 10-11 क्वेश्चंस तो कुछ नहीं गलत होते ही होते थे। सो दैट इज हाउ नए क्वेश्चंस टाइप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करके जो नीट है उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं और आते भी आए, और ये ट्रेंड ही रहने वाला है। एंड जो बच्चा इन नए टाइप के क्वेश्चंस को मास्टर करेगा उसकी रैंक जो है वो एक्सेप्शनली ग्रेट आने वाली है, एज सिंपल एज दैट। नाउ assertion reason क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इनको मास्टर करने का एक बहुत ही सिंपल सा जो है तरीका है, अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी में ड्यू टू और बिकॉज जो शब्द हैं वो ढूंढो और उनको अंडरलाइन कर लो। जब भी आप बायो की एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हो तो इन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द assertion reason क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व होने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आने वाला है सब कुछ। नाउ अगर आप ये खुद की अपनी एनसीईआरटी में खुद से कर सकते हो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज, मेरे टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन पे सारे चैप्टर्स 11th और 12th के बायोलॉजी के AIR मार्क्ड assertion reason मार्क्ड एनसीईआरटी अवेलेबल है डाउनलोडेबल फॉर्मेट में। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, इवन अपने एनसीईआरटी में वही जो चीजें हैं बिकॉज और ड्यू टू अंडरलाइन कर सकते हो यहां से कॉपी करके। तुम्हारे लिए टाइम जो है बचने वाला है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। नाउ
दूसरी चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है तो गाड़ी ड्राइव करके सीखोगे या कोई तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर बता देगा ड्राइविंग के लिए और तुम्हारे गाड़ी ड्राइव कर लोगे। सेम चीज स्विमिंग के लिए अप्लाई होती है, तुम्हें मैं बता दूं स्विमिंग करने और जाओ कूद जाओ, तुम नहीं सीख पाओगे ना वैसे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको assertion reason question है, कोई भी नए टाइप के questions अगर तुम्हें उस पे मास्टरी हासिल करनी है तो यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस रादर देन जस्ट सीइंग दोस स्ट्रेटजी वीडियोस ऑन हाउ टू सॉल्व। नाउ देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। नीट एसेंशियल ऐप का नाम तो आप जानते ही होंगे, डाउनलोड करके रखा ही होगा, अगर नहीं किया तो कर लो, जिन लोग ने ऑलरेडी कर लिया उसमें अपडेट कर लो। अपडेट करके आप ओपन करोगे ऐप तो टॉप लेफ्ट साइड पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में AR पावर अप कोर्स आपको दिख रहा होगा, वहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप सबके लिए टोटल 2500 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, assertion reason, स्टेटमेंट बेस्ड, ग्राफ बेस्ड और मैचिंग टाइप, जिससे कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सॉलिड हो जाए। हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो और ऑडियो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन से आपको यह भी समझ में आ जाएगी कौन सी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। जिन क्वेश्चन को आप बाद में रिवाइज करना चाहते हो उनको आप बुकमार्क भी कर सकते हो। एंड नाउ द टाइम फॉर द गुड न्यूज, ड्रम रोल प्लीज। नाउ सारे एनसीईआरटी अभ्यास बैच के स्टूडेंट्स 2024-25 जब के लिए भी आपने एनरोल किया हो, चाहे 26 के लिए भी एनरोल किया हो, अगर आप सीरियस थे तो वी हैव अ रिवॉर्ड फॉर यू। जो भी बच्चे 2500 क्वेश्चंस अभ्यास बैच से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए पूरा AR पावर अप कोर्स कंप्लीटली फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक सीरियसली नहीं, उनने केवल अभ्यास बैच खरीद लिया था, सोचा सिलेक्शन हो जाएगा, भाई ऐसे कोचिंग में तुम 2 लाख की कोचिंग ले लो, सिलेक्शन नहीं होता ऐसे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं की थी तो अब मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, मेहनत करो। 15 मार्च तक डेली 150 से 200 क्वेश्चन, 3-4-5 घंटा लगना पड़ेगा, डेली क्वेश्चन लगाओ, टोटल तुम्हारे 2500 क्वेश्चन जिस पॉइंट पे वो तुम्हारे अटेम्प्ट हो जाते हैं तुम्हारे लिए ये AR पावर अप कोर्स जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दो स्टूडेंट्स जो कि इस कोर्स को सेपरेटली ही बाई करना चाहते हो, तो नीट 2024 के लिए आप इसे एनरोल कर सकते हो ओनली फॉर 749 रुपीज, एंड नीट 2025 तक के लिए आप एनरोल कर सकते हो सिर्फ 1249 रुपीज। दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 100 यूजर्स, तो जाके फटाफट से आप एनरोल कर सकते हो और जाके assertion reason questions, statement based, graphs and matching type questions पे अच्छे से अपना कमांड हासिल करना स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन का, जो है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। देखो स्टेटमेंट क्वेश्चंस का पॉइंट क्या होता है, ऐसे तो आसान ही होते हैं बट इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि खूब सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने होते हैं। तो माय सजेशन टू यू इज कि पहले जो है वो ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस देखो, अगर ऑप्शन 1 है ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट, पहले 1 पढ़ो स्टेटमेंट फिर 3 पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन 2 पढ़ो फिर ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, तो तुम्हें अपना आंसर ज्यादा फास्ट मैनर में तुम पहुंच पाओगे। नाउ देयर इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, जो ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं वो एनसीईआरटी के लाइंस जहां पर की नॉट एवरी ऑल या ऑलवेज लिखा होता है वहीं से कहीं ना कहीं बने होते हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। सो वी हैव डन दिस फॉर यू कि आपके लिए जहां पर ऑलवेज लिखा हुआ है, जैसे जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है ना, और वहां पर आप जो फोकस थोड़ा सा कर सकते हो, एनसर्कल किया हुआ है वहां पर आप ऑलवेज जहां लिखा हुआ है वहां पर थोड़ा और ये और चीजें यहां पर आप फोकस और करोगे तो आपके और अच्छे हो जाएंगे। नेवरदलेस मैं फिर से चीज बोलूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करके सीखोगे ना सिर्फ एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा आते हैं सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड का ही सब टाइप है। उसमें भी यार सिंपली आपको अगर एनसीईआरटी अच्छे से कंसेप्चुअली आपको पढ़ी हुई है, सीक्वेंस वाइज आपने उसको अच्छे से देखा हुआ है तो वो भी सॉल्व कर लोगे आराम से। तो ओनली थिंग इज कि ऑप्शंस पहले पढ़ना फिर क्वेश्चन पढ़ना ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। थर्ड क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप। देखो ये क्वेश्चंस भी नए हैं और इनको भी जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, बट दीज आर ऑल्सो इजी, आप अगर अच्छे से आपको ग्राफ्स और समझ पा रहे हो, थोड़ा एनालिटिकल आपके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए बने, अगर आपकी अच्छी जो है कमांड है कॉन्सेप्ट्स पर आप आराम से सॉल्व करने वाले हो, चिंता करने वाली बात नहीं है, थोड़े से बस प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चन टाइप्स को। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, मैचिंग टाइप। ये तो सबसे हलवा क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको अगर 4 ऑप्शन है जिनको मैच करने हैं, आपको 4 और ऑप्शन है, आपको एक दो नहीं भी आते हैं तो आप केवल इसके जो ऑप्शन है नीचे जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है उनको आप देखकर एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर तक पहुंचे जा सकते हो। द ओनली थिंग इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस विच यू रिक्वायर। नाउ फिफ्थ टाइप पे आ जाए हम लोग, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के एज सच होंगे और आपके लिए आपका जो प्रॉब्लम है हम लोग ने और आसान कर दिए। अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे एनसीईआरटी बायो के डायग्राम्स कंपाइल कर दिए जिससे आप फटफट
ये सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के जो है वो आप जो लेबलिंग है अच्छे से समझ सको, याद कर सको और अपने आप को रिवाइज कर सको। मान के चलो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस तो यार हलवा टाइप होते हैं मैं कहूंगा, और ये तुम्हारे बोनस क्वेश्चन है काइंड ऑफ, बस तुम्हें एनसीईआरटी के डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए और तुम्हारा टाइम भी बचने वाला है। तो अगर मैं इस वीडियो को मैं समराइज कर दूं तो assertion reason, statement based, graph based और matching based, these are the most important new question types जो कि आपके और देखने को मिलने वाले हैं 2024 की बात करूं या 25 की। अगर आपको questions solve करना correctly, accurately अगर आपको सीखना है तो no easier way of saying this, questions solve करके देख लो। AR Power Up course आपके लिए एक complete solution इन चारों question types को solve करने के लिए। Diagram based questions के लिए तो तुम केवल वो मेरा PDF देख लोगे Telegram channel पे, that will be enough। I think इस video में मैंने काफी अच्छे से आपको चीजें समझाई हैं। अगर ये video अच्छा लगा तो कोई भी अपने दो दोस्तों को share करो। Description में आपको नीट एसेंशियल ऐप का लिंक मिल जाएगा। अभ्यास बैच के बारे में अगर नहीं जानते तो वो भी आप जान सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसमें भी 2-3 वीडियोस बने हुए हैं, वो भी देख सकते हो, उसमें भी एनरोल कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड एट द एंड इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके उत्साह बढ़ाओ और सब्सक्राइब दबाओ और बेल आइकन को कभी भी हिट करना भूलना नहीं, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। कमेंट करके बताओ कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं बनाऊं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, लव यू ऑल, होप यू रॉक नीट एंड कम दिस ईयर as a first year MBBS student. Wish you all the very best. Bye-bye.